शिमला के KNH अस्पताल में हर रोज 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए अस्पताल में ड्राई रन किया गया। पूरे प्रदेश में COVID-19 वैक्सीन को लेकर अंतिम दौर का ड्राई रन किया गया। 16 जनवरी से देश सहित हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो जाएगा और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। शिमला KNH अस्पताल के डिप्टी MS रागेश्वर ज्योति ने बताया कि शिमला में KNH अस्पताल, डेंटल अस्पताल, IMC और अनाडेल PHC सहित कई जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि 16 जनवरी के बाद जब वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा तो उसमें किसी तरह की खामी ना हो। इसके लिए डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्टाफ की रिहर्सल की जा रही है। 6 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बुलाया गया है। आने वाले समय में KNH में एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को 200 तक भी बढ़ाया जा सकता है। इतनी ड्राई रन के लिए हमने आज 5 लोगों को बुलाया है, क्योंकि इसमें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी हैं। हमें कोविन ऐप पे भी उनको अपलोड करना पड़ता है सबके डाटा को, तो इनमें कोई प्रैक्टिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स ना आए उसी के लिए ड्राई रन मॉक ड्रिल टाइप की होती है। इसको इलेक्शन मोड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है करने के लिए और हम उसको कर रहे हैं। हमारी वही वाला ड्राई रन अभी कंटिन्यू चल रहा है। हमारी तैयारी है कि हम एक दिन में कम से कम 100 लोगों को एक कर सकते वैक्सीनेट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी टास्क फोर्स और बढ़ा सकते हैं और 200 बंदों को भी कर सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत लगेगी कभी तो ऐसा भी कर सकते हैं। PR TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।